अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क्लास टेंथ के यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 4, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने किससे शो किया डियर स्टूडेंट, इधर से आई से। फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली है एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस किससे शो किया है, डी से। इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डियर स्टूडेंट यूनिट है कैंडल पावर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फिट, यानी कि 12 फुट के फासले पर है फ्रॉम द सोर्स से, फाइंड द इंटेंसिटी, आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 8 फिट, अगर वो सोर्स से कितने दूर है, 8 फिट। अब सबसे पहले इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखता हूं, सॉल्व। द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली है एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। इंटेंसिटी आई वेरीज इनवर्सली है किसके, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली हो गया डी के स्क्वायर के। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वेरीज का साइन ख़त्म करेंगे, के लेके आएंगे डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वैल्यू 1/d². अब इसको डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देंगे, 1 का। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल, यानी कि अब इंटेंसिटी कितनी है, 20 कैंडल पावर है, कितना डिस्टेंस गिवन है, 12 फिट। अब इसके अंदर आई की जगह पर 20 और डी की जगह पर 12 जो है वो पुट करेंगे, पुट आई इज इक्वल 20 कैंडल पावर एंड डी इज इक्वल 12 फिट इन इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट आई की जगह पर 20 पुट करता हूं, इज इक्वल के एज इट इज मल्टीप्लाई 1 एज इट इज, डी की जगह पर डियर स्टूडेंट 12 का स्क्वायर बन गया ये। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 20 एज इट इज इक्वल के को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, के डियर स्टूडेंट 12 का स्क्वायर 144। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 144 जो है वो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 20 को 144 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर डियर स्टूडेंट आ गया 2880 के। अभी डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी के की वैल्यू फिलहाल फाइंड की है फ्रॉम द सोर्स, फाइंड यानी कि फाइंड हमने क्या करना है, द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है अगर उसका सोर्स से डिस्टेंस जो है वो कितना हो, 8 फीट। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पुट कि हमने डियर स्टूडेंट फाइंड किया के इज इक्वल 2880 एंड डी इज इक्वल, अब डियर स्टूडेंट कितना पुट करना है, 8 इन
क्वेश्चन नंबर वन। अब इधर से डियर स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी की जगह हमने इंटेंसिटी अभी फाइंड करनी है, एज इट इज इक्वल के की जगह पर के की वैल्यू 2888 मल्टीप्लाई नेक्स्ट वन एज इट इज कांस्टेंट वैल्यू और डी की जगह पर, डियर स्टूडेंट हमने डी की वैल्यू पुट करनी है कितनी है 8, क्या क्या बन गया स्केयर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 2881 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2880 डिवाइडेड बाई 64 यानी के 8 का स्केयर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 2880 को डिवाइड कर देंगे 64 के ऊपर, अब हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी फाइंड होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 45। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट हमें डियर स्टूडेंट इधर क्या गिवन है, कैंडल पावर यानी के सीपी। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड हो गई है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितने फासले पर, अगर सोर्स पड़ा होगा 8 फीट के फासले के ऊपर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है लेबर्स कॉस्ट सी वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर्स ऑफ डेज डी, यानी कि कॉस्ट ऑफ लेबर को डियर स्टूडेंट उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से, वेरीज है ज्वाइंटली है, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं एन, एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज कितने हैं, किससे रिप्रेजेंट किया है, डे से, डी से। इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अगर 800 वर्कर्स हैं कितने दिन 13 डेज और उनके रुपीज कितने हमारे पास 2 यानी कि 286,000, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट आपने फाइंड करनी है अगर 600 वर्कर होंगे और कितने दिन के लिए 18 डेज के लिए। अब सबसे पहले इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखते हैं, सॉल्व अब डियर स्टूडेंट इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी, लेबर कॉस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया है, सी से, वेरीज है ज्वाइंटली है किसके साथ, सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स एन एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या है डी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट वेरीज का साइन खत्म करके हम कॉन्स्टेंट वैल्यू लेके आएंगे, C is equal K N D। अब ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स 13 डेज और रुपीज कितने हमारे पास, कॉस्ट कितनी है 286,000। अब ये तीनों वैल्यूज पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट हम इधर से क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल K। अब लिखता हूं पुट सी इज इक्वल 286,000 नेक्स्ट एंड एन इज इक्वल नंबर ऑफ वर्कर्स कितनी है 800 एंड नेक्स्ट डेज कितनी है डी इज इक्वल 13 इन इक्वेशन नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट सी की जगह पर क्या पुट करेंगे 286,000 इज इक्वल के एज इट इज, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स एन की जगह पर नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 800 और डेज की जगह पर डियर स्टूडेंट 13। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स 286,000 एज इट इज के बी एज इट इज
अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट 800 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10,400, 10,400। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 286,000 डिवाइडेड बाय 10,400 इज इक्वल के। अब डियर स्टूडेंट्स 286,000 को डिवाइड करेंगे 10,400 के ऊपर, डियर स्टूडेंट के की वैल्यू जो है वो फाइंड होगी हमारे पास 27.5। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारा टारगेट जो है वो टारगेट हमने अचीव करना है, हमने क्या फाइंड करनी है, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर 600 वर्कर हो और डेज कितने हो 18, के की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। अब हम लिखेंगे पुट के इज इक्वल 27.5। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट वर्कर्स हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स को किससे रिप्रेजेंट किया है, एन से, कितने हैं जी 600। एंड नेक्स्ट डेज कितने हैं, डी इज इक्वल 18। इन इक्वेशन नंबर 1, अब मसावाद नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स के की वैल्यू ये वाली एन की और डी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, सी हमने फाइंड करना है लेबर कॉस्ट एज इट इज, नेक्स्ट के हमारे पास फाइंड आ रहा है 27.5 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स 600 और नंबर ऑफ डेज 18। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इन तीनों वैल्यूज को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 27.5 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई बाई 18। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी लेबर कॉस्ट कितनी आ गई है, सी इज इक्वल 297,000 रुपीस। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी, फाइंड। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 3.7 के ये वाले जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।